हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो। फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में फिगर में दिया गया है कि दो सर्कल है और दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करता है। सर्कल का सेंटर है ओ और इसका है क्यू। उसके बाद दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट एम और एन पे, और पॉइंट एम से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो सर्कल्स को के और एल पे इंटरसेक्ट करता है। तो इतना क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। हमें करना क्या है, ये जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा के एल एन, उसका एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं के एल एन, और उसके बाद उसका एरिया फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रायंगल के एल एन कंस्ट्रक्ट हो चुका है, और जैसा कि क्वेश्चन में के एल का लेंथ 6 दिया गया है, तो हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ना ही रेडियस पता है दोनों सर्किल में से किसी का, और ना ही कॉर्ड का लेंथ पता है, कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ हमें पता है के एल 6 है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह का जब भी फिगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई भी इस तरह का सर्कल होगा और यहाँ इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, ठीक है, हम अगर यहाँ मिला देते हैं या यहाँ मिला देते हैं, कहीं भी जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन, तो उसके बाद जो इस तरह का कहीं पे भी ट्रायंगल फॉर्म होगा, वो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसकी जगह हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होता, तो वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता। तो इस तरह का ट्रायंगल हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो जैसा कि इस ट्रायंगल का साइड दिया गया है केएल कितना है, 6 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के एल एन इक्वल √3/4 इंटू साइड है 6, तो 6 स्क्वायर इक्वल्स √3/4 इंटू 36 इक्वल्स √9/3। तो फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल के एल एन का एरिया हो जाएगा √9/3। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।